यूथ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मोदी का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीन बंधु शर्मा ने बताया कि यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आवाज को लोकसभा में नहीं उठाने दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, साथ ही सदस्यता रद्द कर दी गई और तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नीरव मोदी और ललित मोदी देश के पैसे लूट ले गया और चोर को चोर कहने पर उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। सरकार की यह घोर तानाशाही है। दबे कुचले व्यक्ति के गले घुटने का काम भाजपा की सरकार और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिस प्रकार आज देश में अघोषित इमरजेंसी लागू की जा रही है, जो आदमी गरीब की, मजदूर की, युवाओं की आवाज संसद में उठाना चाहता है, वो आदमी लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश में, पूरे देश की भौगोलिक स्थिति और की आवाज उठाना चाहता है, उसकी आवाज को संसद में बंद कर दिया जाता है। समाज को बंद करना तो दूर, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं हो सकती इस लोकतांत्रिक भारत में कि जब उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है आनन फानन में, तरह तरह के इल्जाम लगाकर। क्या नीरव मोदी देश के पैसे नहीं लूट ले गया? क्या ललित मोदी देश से पैसे लूट के नहीं ले गया? जब चोर को चोर कहने में आप उसकी सदस्यता रद्द कर रहे हो, आप उस पर FIR दर्ज करवा रहे हो, ये अघोषित तानाशाही है। हर व्यक्ति का, दबे कुचले व्यक्ति का गला घोटने का काम भाजपा की सरकार आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उसके विरोध में आज अलवर में उग्र प्रदर्शन किया गया भाजपा कार्यालय को। इन सब युवा साथियों ने ये लिख दिया मोडानी कार्यालय, क्योंकि मोदी जी JPC लागू नहीं करना चाहते, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री की रिपोर्ट नहीं मंगाना चाहते, इसलिए आप अपने मित्र की मदद कर रहे हो। तो हम कहना चाहते हैं मोदी और अडानी का संयुक्त कार्यालय, ये भाजपा का कार्यालय नहीं है, ये मोदी अडानी का संयुक्त कार्यालय। आज हमने ये दिखा दिया कि इनका पर्दाफाश हो, किस प्रकार मोदी को की पर्दे के पीछे छुपकर मोदी जी मदद कर रहे हैं, इसका आज हम